आखिरी समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया एवं बेटी अनन्या राजे सिंधिया के साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद रहे। कन्हैया लाल अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने केपी यादव को विभीषण की संज्ञा दी है, वह भी विभीषण इसलिए कहा क्योंकि उसने भाई को धोखा दिया केवल राजपाट हासिल करने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि नर्मदा के पानी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर रही है। इसी मौके पर प्रियदर्शनी सिंधिया ने बताया कि चुनाव उनके परिवार का चुनाव है। भाषण के दौरान हालांकि वे कई बार अटकी, लेकिन लोगों से ज्यादा ज्यादा मतदान करने की अपील की। राज बब्बर ने इस सभा में कहा कि साधना भारती जो कह रही थी उसके आगे वे सब कुछ भूल गए, साथ ही साधना भारती को स्टार प्रचारक भी कह डाला। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर वोट क्यों नहीं मांगती, साथ ही अपनी योजनाओं के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती। वहीं भोपाल में प्रज्ञा को खड़ा करने के बाद को उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारे शहीद का अपमान करता है उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो वादा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वह कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाने का सपना देख लिया है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा गुना से कोई राजनीतिक नाता नहीं है बल्कि उनका पारिवारिक नाता है। यहाँ पर सिंधिया ने कहा कि गुना की जनता ने उन जैसे एक छोटे से बीज को वृक्ष बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो भी छोटे मोटे काम हो वो आप चाहे तो किसी और से करा लें, जो असंभव काम हो उसे लेकर आप मेरे पास आए। इस मौके पर उन्होंने अपनी पुरानी यादों में बताया कि दिग्विजय सिंह के साथ किस तरह के उन्होंने समय बिताया, साथ ही 56 इंच की छाती यानी कि नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा जिस तरह से शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज की केवल मान्यता मिलने को लेकर उन्होंने कहा कागज पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिस पर कहा कि सुन लो 56 इंच की छाती वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक कागज के टुकड़े पर ही संविधान की रचना की थी। साथ ही अपने मंच पर कई बार उन्होंने मिमिक्री की और लोगों से तालियों बजाने तक का आग्रह किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। दोनों मंत्री तुलसी सिलावट जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मैं सिंधिया जी का आशीर्वाद में लेगा तुम गुना में एक नया इतिहास लिखने का काम करता हूँ कि 2024 के पूर्व हमको नर्मदा के पानी का उपयोग करना है। इनने पिछले 5 साल के अंदर जो दुरुपयोग किया है विभाग का, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं कि मध्य प्रदेश के हिस्से में जो 18 MA पानी आया है मध्य प्रदेश उसका उपयोग कर सके। ज्यादा बात नहीं कह पाऊंगा, कहीं मेरे बात अभी माननीय राज बब्बर जी को, माननीय श्रीमंत सिंधिया जी को बोलना है। वोटों की थी 71,000 वोटों की, शिवपुरी जिले से 51,000 की लीड थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ गुना दमोरी मिलाकर अपनी एक एक पोलिंग के ऊपर आप इस तरह से वोटिंग करिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट देखती रह जाए। अब हम आपको भी भरोसा दिलाता हूँ कि दमोरी में कम से कम 150 पोलिंग ऐसे निकलने वाले हैं, जब भाजपा के 5 साल वोट निकले हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये वोट किस पर मांग रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी खिलाड़ी को जो प्रैक्टिस करते करते ऊब गया हो और उसको लग रहा है कि वो उसको शायद टीम में चांस नहीं मिलेगा, तो वो अपनी बढ़ोतरी दिखाने के लिए कहता है, अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, अपनी काबिलियत की बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि गावस्कर ने वो शॉट बड़ा बेकार शॉट मारा था और धोनी ने ये बैट बॉल छोड़ दी थी, और कहता है कि साहब तेंदुलकर ने अगर वो शॉट ठीक से मार दिया होता तो उसका रिकॉर्ड कब से कायम हो गया होता। अरे मामा, पहले तू तो बता कि तू दूसरों को गालियां दे रहा है, तू अपनी उपलब्धि को बता कि तू क्या कर रहा है। आज जो है, आज के अखबारों के अंदर हमारे आदरणीय नेता शहीद भारत रत्न के ऊपर उंगली कसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जैसी जैसी बातें कहते? तुम्हारी पार्टी के लोग एक तरफ जो है भोपाल के अंदर ऐसे प्रत्याशियों को लेकर आते हो जो लोग इस देश में हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, और तुम ऐसे हो कि भारत रत्न का अपमान करते हो, शहीदों का अपमान करते हो। तुम ये भी भूल जाते हो, कहते कि उनका परिवार छुट्टी मना रहा था,
एडमिरल को, रिटायर्ड एडमिरल को बाहर निकलना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं था। राजनीति में भी समीक्षा अभी बैठेगा मैं, क्योंकि अभी मैंने समाप्त नहीं किया। बॉलीवुड की ऊंचाई पाई है, सुनिए, राजनीति की ऊंचाई पाई है, और बहुत शख्स नहीं है जिन्होंने बॉलीवुड की ऊंचाई पाई हो, राजनीति की ऊंचाई पाई हो, पर मैं मानता हूं राज बब्बर जी, बॉलीवुड से ज्यादा महत्वपूर्ण, बॉलीवुड की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण, राजनीति की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपने इंसानियत की ऊंचाई। मैं आपका था और मैं आपका जिंदगी की आखिरी सांस जो भगवान ने मुझे प्रदान की है उस आखिरी सांस तक आपका ही रहूंगा। साल में हमने बहुत रास्ता तय किया है। मेरी कोशिश रही है जो मैं अपना जिम्मेदारी मानता हूं, हर व्यक्ति अपने परिवार की विकास और प्रगति के लिए इच्छुक रहता है। एक आशा अभिलाषा रहती है और मेरी जिम्मेदारी थी कि आपके सामने जो भी संकट हो, संभव कार्य आप कहीं और ले जाओ, जो असंभव कार्य हो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास लेके आओ। इस गुना में राज बब्बर जी, रोज रात को जो ट्रकें निकलती हैं हमारे दोस्तों को कुचलती जाती हैं, समाधान निकालना होगा आपको। और उस दिन मैंने संकल्प लिया, 2004 के चुनाव के बाद मुनियप्पा जी को मैं यहां लेके आया 65 करोड़ रुपए का बाईपास का शिलान्यास करने के लिए, और 16 महीने के अंदर उस बाईपास का उद्घाटन आपने और हमने साथ में किया। ये एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र उदाहरण है इस बात का। नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में।